हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीता स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर करने वाली हूँ विदाउट डार्ट बेसिक बॉडीज की ड्राफ्टिंग। ये ड्राफ्ट कई तरह के अपर बॉडी गारमेंट्स जिनमें शोल्डर से वेस्ट तक के मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए फॉलो किया जा सकता है। मेरे पास यह एक ड्राफ्ट पेपर है, इसे मैं इस तरह दो बार फोल्ड कर रही हूँ। अब ये फोर लेयर्स में है, ये इसकी क्लोज्ड साइड है और ये ओपन साइड है। ऊपर की तरफ मैं हाफ इंच का मार्जिन दे रही हूँ। ये शोल्डर लाइन है। अब शोल्डर लाइन पर हाफ शोल्डर विड्थ मार्क करनी है। मेरे मेजरमेंट्स में शोल्डर विड्थ है 14 इंचेस, जिसका हाफ होगा 7 इंचेस। और नेक विड्थ के लिए मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। शोल्डर विड्थ पॉइंट से हाफ इंच नीचे आना है। ये शोल्डर स्लोप पॉइंट है। शोल्डर स्लोप पॉइंट को नेक विड्थ पॉइंट से मिला दें। अब शोल्डर स्लोप पॉइंट से नीचे की तरफ हाफ आर्महोल राउंड मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट्स में आर्महोल राउंड है 14 इंचेस, जिसका हाफ होगा 7 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। इस पॉइंट से टच करती हुई एक हॉरिजेंटल लाइन बना लें। ये चेस्ट लाइन है। अब यहां से शोल्डर से बस्ट तक की लेंथ मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट्स में शोल्डर टू बस्ट लेंथ है 10 इंचेस। मेजरिंग टेप को बिना उठाए शोल्डर से वेस्ट तक की लेंथ भी मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट्स में शोल्डर टू वेस्ट लेंथ है 14 इंचेस। इन दोनों पॉइंट्स से लाइन बना लें। ये बस्ट लाइन है और ये वेस्ट लाइन है। अब सारे राउंड मेजरमेंट्स मार्क कर लेते हैं। चेस्ट लाइन पर 1/4 चेस्ट राउंड प्लस 3/4 इंच की ईज या लूजिंग मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट्स में चेस्ट राउंड है 33 इंचेस, जिसका 1/4 होगा 8.25 इंचेस। इसमें 3/4 इंच की ईज ऐड करेंगे तो आएगा 9 इंचेस। बस्ट लाइन पर बस्ट राउंड का 1/4 लेना है। यहाँ ईज नहीं ऐड कर रही हूँ। मेरे मेजरमेंट्स में बस्ट राउंड है 34 इंचेस, जिसका 1/4 होगा 8.5 इंचेस। वेस्ट लाइन पर 1/4 वेस्ट राउंड प्लस 3/4 इंच ईज लेना है। मेरे मेजरमेंट्स में चेस्ट राउंड है 28 इंचेस, जिसका 1/4 है 7 इंचेस। इसमें 3/4 इंच ईज ऐड करने पर आएगा 7.75 इंचेस। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब बस्ट पॉइंट को चेक करें। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर आता है या इस लाइन से अंदर की तरफ आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट इस लाइन से बाहर की तरफ आता है तो आपको चेस्ट और वेस्ट पर थोड़ी और ईज या लूजिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये कुर्ती बस्ट पर टाइट हो सकती है। यहाँ पर ये पॉइंट लाइन पर आ रहा है। अब आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए इस पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ एक और पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट को शोल्डर स्लोप पॉइंट से मिलाना है। इन दोनों लाइंस पर मिड पॉइंट मार्क कर लें। अब यहां और यहां पर 1 इंच की तिरछी लाइंस बना लें। फिर अंदर वाली लाइन पर फ्रंट आर्म होल कर्व बनाएं। और बाहर वाली लाइन पर बैक आर्म होल कर्व बनाएं। अब यहां पर फ्रंट नेक डेप्थ मार्क कर लेते हैं। ये मैं 6 इंचेस ले रही हूं। अब इस तरह फ्रंट नेक के लिए कर्व बना लें। बैक नेक के लिए
1.5 इंच डेप्थ ले रही हूँ। यहाँ भी इस तरह कर्व बना लें। अब सीम अलाउंस मार्क कर लेते हैं। साइड में 1 इंच का सीम अलाउंस ले रही हूँ। नीचे और शॉल्डर्स पर 1/2 इंच का सीम अलाउंस ले रही हूँ। पहले इन लाइंस पर कट कर लें। अब बेक पार्ट अलग कर फ्रंट नेक व फ्रंट आर्म होल कट कर लें। ये बॉडीज का फ्रंट है और ये बैक पार्ट है। बेसिक बॉडीज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।